नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नाटो जो कि अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं उनका एक संगठन है। अभी तक इसके अंदर 30 देश हुआ करते थे, एक बिल्कुल नया मेंबर बन चुका है इसका फिनलैंड। अब इसके अंदर हो चुके हैं 31 मेंबर। जो खबर है इतनी बड़ी ये लगती है, क्या ये खबर इतनी बड़ी है? चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। रूस को जो है क्या समस्या हो सकती है और अमेरिका का एक बड़ा योगदान रहा है इसके अंदर जिससे कि नाटो बढ़ चुका है। खबर निकल कर आती है, फिनलैंड जॉइंस नाटो, डबलिंग मिलिट्री अलायंस बॉर्डर विद रसिया इन अ ब्लो फॉर पुतिन। इसमें बताया गया है कि पुतिन को काउंटर करने के लिए फिनलैंड जो है वो नाटो ज्वाइन कर चुका है और रसिया के साथ जो डायरेक्ट नाटो का बॉर्डर है अब वो आ चुका है। फिनलैंड जॉइंस नाटो इज हिस्टोरिक शिफ्ट। आप इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें ये बोली जा रही हैं। क्या ये इतनी बड़ी बातें हैं? असल में जो खेल है वो कहीं और ही चल रहा है। रसिया थ्रेटन्स काउंटर मेजर्स। रसिया ने कहा है कि हम जो है इसके लिए अपने उपाय करेंगे। फिनलैंड ज्वाइन कर लिया है, हम इसके चलते अपना जो उपाय जो भी करने होंगे वो करेंगे। फिनलैंड जॉइंस नाटो एज इट्स 31st मेंबर। फिलहाल के लिए जो खबर है, यदि किसी एग्जाम में पूछा जाता है अब कि नाटो के अंदर कितने सदस्य हैं तो आपका उत्तर होगा 31। नाटो का सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो उत्तर इसका होगा फिनलैंड। कुछ इस प्रकार की सेरेमनी अमेरिका के विदेश मंत्री और तमाम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ नाटो ज्वाइन करने की औपचारिकताएं पूरी की गई। फिनलैंड ऑफिशियली बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अटलांटिक ओशन जो है अमेरिका प्लस यूके दोनों के बीच में जो अटलांटिक ओशन है, मतलब अमेरिका और यूरोप, इसको यूरोप कह सकते हैं, यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसके देशों ने मिलकर ये शुरुआत में संगठन बनाया था जिसको कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया बोला गया था। 1949 में इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य था जो यूएसएसआर हुआ करता था उसको काउंटर करना, अपने साथ लोगों को लाना, और ये एक पूरी तरह से मिलिट्री ग्रुप है। तमाम दुनिया की सेनाएं जो हैं इसके अंदर अपने एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि यदि कोई देश किसी इन नाटो मेंबर देशों पर हमला करता है तो ये हमला संयुक्त रूप से सभी 31 के 31 देशों पर माना जाएगा और 31 देश मिलकर एक मिलिट्री कार्यवाही उस देश के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा इनका जो है ये पूरा संगठन है। यूरोप एट सम 1300 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो जुड़ चुका है। नॉर्डिक कंट्री है एक फिनलैंड जो कि ज्वाइन किया है। फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे के सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं। द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन एंड नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉमबर्ग वर ऑन हैंड एज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स पेका हैवसो। ये सारे के सारे लोग मौजूद रहे। फिनलैंड हैज टुडे बिकम द मेंबर ऑफ डिफेंस अलायंस नाटो। द एरा ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट इज और इज इन आर हिस्ट्री हैज़ कम टू एन एंड। कि जो नॉन अलाइनमेंट हम करते थे नाटो वाले वो अब एंड हो चुका है, अब हम नए मेंबर्स अपने साथ जोड़ रहे हैं। वीडियो वगैरह जारी किया गया है, तमाम जो सेलिब्रेशन हैं वो जारी किए गए हैं। 31 झंडे लगाकर अच्छा खासा एक सेलिब्रेशन किया गया है। मैप देखिए आप है कहाँ पर। फिनलैंड, ये रहा फिनलैंड, रसिया के साथ बिल्कुल बॉर्डर साझा करता है। फिनलैंड के पास में है एक देश जिसका नाम है स्वीडन। असल में स्वीडन ने भी कर रखा है इनके पास आवेदन नाटो ज्वाइन करने का, लेकिन स्वीडन का जो आवेदन है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। फिनलैंड का ज्वाइन हो चुका है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं खेला आखिर हुआ क्या है। आपसे यदि एक प्रश्न पूछा जाए, क्या फिनलैंड को आवश्यकता थी नाटो ज्वाइन करने की? आपका उत्तर संभवतः हो सकता है कि हाँ, जरूरत हो सकती है, क्योंकि रसिया जो है उसने कर रखा है फिलहाल यूक्रेन पर हमला। इसी के डर से फिनलैंड, स्वीडन जैसे ये देश डर गए अपने आप, बिना रसिया के कुछ किए ही ये देश खुद से डर गए और नाटो ज्वाइन करने की एप्लीकेशन इनके द्वारा दे दी गई। लेकिन असल में जब हम देखते हैं फरवरी 2022 के अंदर रसिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। यूक्रेन रहा ये, रसिया रहा ये। असल में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ था वो सिर्फ एक ही कारण के चलते हुआ था कि यूक्रेन चाहता था नाटो को ज्वाइन करना। यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का सदस्य बन जाए। ऐसी स्थिति में यूक्रेन को तमाम नियम कानून जो हैं वो पढ़ा दिए गए अमेरिका के द्वारा कि हम आपको एज अ नाटो मेंबर नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ रसिया जो है, रसिया पहले हुआ करता था यूएसएसआर जो कि 15 देशों के अंदर टूट गया था 1991 के अंदर। ऐसी स्थिति में रसिया का कहना था कि यूक्रेन, जब आप पहले हमारे एक पार्ट हुआ करते थे तो अब आप हमसे दूर नहीं जा सकते वरना आपकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। जैसे ही यूक्रेन ने कोशिश की नाटो ज्वाइन करने की, रसिया ने इसकी हड्डियाँ वाकई में तोड़ दी। ये जो देश आप देखते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इधर है एक मालडोवा, मालडोवा के नीचे 5 जो
सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, आर्मेनिया अजरबैजान सहित ये सारे के सारे 15 देश हुआ करते थे यूएसएसआर के मेंबर। अब यूएसएसआर का कोई मेंबर जो हुआ करता था वो यदि नाटो ज्वाइन करता है तो रसिया को होती है समस्या, और इसी के चलते यूक्रेन के ऊपर एक मिलिट्री, जो कहें कि एक मिलिट्री एक्शन जो किया गया था, इसी के चलते किया गया था। अब थोड़ी सी बात करते हैं नाटो की सेल्फिशनेस के बारे में। नाटो ने यूक्रेन को ज्वाइन नहीं कराया, नाटो के अंदर ज्वाइन नहीं कराया गया अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा, बल्कि दिखाने के लिए फिनलैंड को ज्वाइन करा लिया। यदि इतना ही दम था आपके अंदर, यदि रसिया को इतना ही काउंटर करना चाहते थे, तो यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के बाद सभी देश रसिया पर आक्रमण क्यों नहीं करते मिलकर, बड़ा सवाल बनता है ये। तो ये जो है एक प्रकार का मजाक टाइप का फिनलैंड के साथ कर दिया है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अमेरिका हो या फिर इसके सारे सहयोगी देश हों, सारे के सारे देश मिलकर हथियार बेचने में लगे हुए हैं। हथियारों की जो सेल है वो लगातार बड़ी मात्रा में चल रही है। अमेरिका के तमाम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर मिसाइल्स हो कई तरह की, वो इसके अंदर जो है पूरी तरह से प्रदर्शनी इनकी हो रही है कि हमारे हथियार जो हैं क्या क्या कहर ढहा रहे हैं। रसिया जो है अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगा रखा है, इधर से अमेरिका के जो सहयोगी हैं जर्मनी पोलैंड वगैरह, ये सारे के सारे यूक्रेन के अंदर अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। यूक्रेन पिटता जा रहा है, बर्बाद हो चुका है, लेकिन नाटो ज्वाइन यूक्रेन को नहीं कराया गया। नाटो ज्वाइन कराया गया फिनलैंड को, जिसका कोई मतलब ही नहीं था रसिया के साथ। फिनलैंड डर गया खुद से कि रसिया हमारे ऊपर भी आक्रमण कर सकता है, कि यदि हम पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा हमारे साथ। तो भैया, रसिया ने ना यूएसएसआर ने आप पर आज तक कभी आक्रमण नहीं किया, ना ही करने वाला था। वो सिर्फ अपने पुराने क्षेत्र के प्रति थोड़ा सा भावुक महसूस करता था, इसी के चलते यूक्रेन के ऊपर कार्यवाही तुरंत कर दी गई। और यदि इतना ही दम था 30 देशों में नाटो के, तो रसिया के पुतिन जो हैं उनसे ये भिड़कर एक बार देख लेते, शायद जो यूक्रेन का हाल किया है वो हाल करने में पुतिन जो है पीछे कभी नहीं हटते। ये उम्मीद है पूरा का पूरा जो खेला हुआ है यूक्रेन के साथ नाटो को ज्वाइन कराने के नाम पर, जो यूक्रेन को बर्बाद कर दिया गया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका हो। क्योंकि ये जो देश हैं सारे के सारे, ये हैं विकसित देश। विकसित देश का मतलब है इनके पास संसाधन जो है वो अब भरपूर मात्रा में है, इनके पास बनाने की सामान, बनाने की टेक्नोलॉजी बड़ी मात्रा में है। ये हथियार भी बनाते हैं, गोला बारूद बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। और दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मार्केट यदि है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला यदि कोई मार्केट है, तो वो हथियार का ही मार्केट है। ये विकसित देश हथियार बनाने के बाद हथियार को बेचने के लिए जब प्रदर्शनी की आवश्यकता होती है, तो किसी भी देश को एक युद्ध का मैदान बनाकर अपने हथियार बेच देते हैं। और अमेरिका के जो 30 देश हैं वो भी अमेरिका ने अपनी एक पर्सनल मार्केट की तरह ही बना रखे हैं, क्योंकि जो नाटो के मेंबर कंट्रीज़ होते हैं वो रसिया या फिर चाइना जैसी कंट्रीज़ जो हैं उनसे कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते। अमेरिका जो है उनका एक बड़ा मिलिट्री का एक्सपोर्टर होता है। अमेरिका अपने जो तमाम हथियार हैं, अमेरिका है या फिर कहें फ्रांस है या यूके है, ये अपने द्वारा बनाए हुए तमाम हथियार इन 30 देशों को बेचते रहते हैं और फ़ायदा मुनाफा कमाते रहते हैं। उम्मीद है पूरा का पूरा मामला आपको अब क्लियर हो चुका हो। अब थोड़ी सी ब्रीफिंग देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ था। इनके द्वारा कहा गया है, स्टोल्टनबर्ग के द्वारा, कि पुतिन हैड फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट टू स्लैम नाटो, की पुतिन जो है वो फेल हो चुके हैं नाटो को ख़त्म करने के अटेम्प्ट। तो असल में नाटो को ख़त्म करना पुतिन का कभी उद्देश्य था ही नहीं। पुतिन का उद्देश्य था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे, अन्य कोई देश यदि करता है तो वो करता रहे। तो यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करने देना था। तो फेल यदि पुतिन होते, फेल आप पुतिन को तब कह सकते थे जब आप यूक्रेन के साथ मिलकर कोई कार्यवाही करते। टुडे वी शो द वर्ल्ड दैट ही फेल्ड दैट एग्रेशन एंड इंटिमिडेशन डू नॉट वर्क, कि एग्रेशन और इंटिमिडेशन जो है आज की दुनिया में काम नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ लेस नाटो ही हैज़ अचीव द अपोजिट मोर नाटो, कि वो चाहते थे कि नाटो कम हो जाए, लेकिन उन्होंने जो अचीव किया है वो किया है कि नाटो जो है वो बढ़ गया है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो है इनके द्वारा बोली गई सम्मेलन में, और बड़ी बड़ी बातों के साथ, ज्वाइनिंग नाटो इज़ गुड फॉर फिनलैंड, कि नाटो को ज्वाइन करना फिनलैंड के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ गुड फॉर नॉर्डिक सिक्योरिटी एंड इट्स गुड फॉर नाटो। फिलहाल जो है सब कुछ अच्छा अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे वो ज़रूर देखने लायक होंगे। नाटो पर यदि हम एक नज़र डालते हैं, तो 1949 में 12 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया था। ये एक सैन्य संगठन है, इसका ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल जो सदस्य देश आप 30 यहां देखते हैं, इनके अंदर संशोधन आपका अब हो जाना चाहिए, ये हो जाने चाहिए 31।
आधिकारिक भाषा इनकी अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके महासचिव ये हैं। कुल सेना 30 लाख से अधिक है। रक्षा बजट इनका 1174 अरब डॉलर होता है नाटो का, और जितने भी कंट्रीज होते हैं वो नाटो के अंदर अपना अपना योगदान देते हैं। किस प्रकार से ये बड़ा है, देशों की संख्या आप देखते हैं कि 2000 से लेकर 2023, अब 2023 के अंदर जो नया आंकड़ा आएगा उसका 31 मेंबर्स हो जाएंगे। नाटो मेंबर्स इन यूरोप, यूरोप के अंदर कौन कौन से हैं नाटो मेंबर्स, तो ज्वाइंट बिफोर 1991 से पहले जो ज्वाइन कर चुके थे वो आप देख सकते हैं ये नीले कलर के, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, इटली, ये सारे के सारे जो देश हैं। और साथ ही ज्वाइंट आफ्टर 1991 ये जो हल्के नीले वाले कलर के देश हैं जो कि मोस्टली रसिया के साथ अपना बॉर्डर साझा करते थे, ये जुड़े हैं। और पेंडिंग रिक्वेस्ट यदि आप देखते हैं तो यहाँ आपको एक देश दिखाई देता है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन की रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग में हुई है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने साथ में आवेदन किया था। स्वीडन का आवेदन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिनलैंड जो कि रसिया के साथ अपना बॉर्डर तुरंत साझा करता है, यहाँ देखते हैं आप तो इसके साथ जो बॉर्डर साझा करता है इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, स्वीडन की अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ये स्वीडन के लिए अब समस्या का कोई कारण नहीं है क्योंकि बीच में एक दीवार बन चुकी है और रसिया जो है पार करने के बाद आक्रमण इन पर नहीं करने वाला है। उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको पूरी तरह से समझ में आई हो। फिनलैंड एंड स्वीडन सबमिट एप्लीकेशन, ये जो खबर है 18 मई 2022 की, कि एप्लीकेशन फिनलैंड और स्वीडन दोनों के द्वारा जमा की गई थी। इसके बाद इनके देश के अंदर फिनलैंड और स्वीडन दोनों के अंदर जनमत संग्रह कराया गया था, एक रेफरेंडम कराया गया था जिसके अंदर पूछा गया था लोगों से कि नाटो में ज्वाइन होना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो अक्टूबर 2021 जब तक रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध नहीं चल रहा था तब तक सिर्फ 24% लोग ऐसे हुआ करते थे जो कहते थे कि हाँ हमें नाटो में जाना चाहिए, और जो मेजर आबादी हुआ करती थी वो मना करती थी। लगभग 76% लोग इसके खिलाफ थे कि नाटो में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अक्टूबर 2022 रूस यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ था वो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, और अक्टूबर में जब लोगों से दोबारा पूछा गया तो 85% लोग बोलने लगे कि हमें नाटो में जाना चाहिए। तो ये डर था जो कि अपने आप ही शामिल हो चुका था इनके जहन में। बात करें स्वीडन की, तो जनवरी 2022 में जब पूछा गया था तो 37% लोग ऐसे थे जो कि पूछते कहते थे कि हमें जाना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ पीपल्स वर अगेंस्ट ज्वाइनिंग नाटो। अब बात करते हैं जुलाई 2022 के बारे में, 64% लोग जो हैं अब जुलाई के अंदर स्वीडन में कहते हैं कि हमें नाटो ज्वाइन करना चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए। फाइनल किस तरह से फिनलैंड की जो यात्रा रही है, तो मई 2022 में आवेदन किया गया था स्वीडन और फिनलैंड दोनों के द्वारा। जुलाई सितंबर 2022 में जो मेंबर हुआ करते थे 28 मेंबर्स एक्सेप्ट फॉर हंगरी एंड टर्की, एक देश था हंगरी और एक देश था टर्की, इन दोनों ने इनके आवेदन का स्वीकार नहीं किया था। हंगरी आप यहाँ देखते हैं यूरोप का एक देश है, लेकिन एक गरीब देश है, गरीब देश है यूरोप में होते हुए भी शायद ये एक एक्सेप्शन होगा कि यूरोप का कोई देश भी गरीब हो सकता है, हंगरी जो है एक कमज़ोर देश है। तो हंगरी ने, और यहाँ आप देखते हैं दूसरा देश जो है टर्की, ये है टर्की, टर्की दोनों ने जो है इसकी इन पर आपत्ति की थी क्योंकि इनका एक नियम है नाटो का कि 30 के 30 देश जब अपना समर्थन देंगे तभी किसी नए देश को शामिल किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हंगरी और टर्की दोनों ने अपना ऑब्जेक्शन दे दिया था कि हम इनको ज्वाइन नहीं होने देंगे। उसके बाद मार्च 2023 में टर्किश पार्लियामेंट रेटिफाइज फिनलैंड्स नाटो मेंबरशिप। मार्च 2023 के अंदर फिलहाल में ही जो टर्की की पार्लियामेंट है उसने आवेदन को कर दिया था स्वीकार, और अप्रैल 2023 में फाइनली ये फिनलैंड जो है इसने ज्वाइन कर लिया नाटो। यहाँ खबर देखते हैं आप कि नो नाटो येट टर्की टेल्स स्वीडन एंड फिनलैंड, कि हम आपको अभी नाटो में ज्वाइन नहीं होने देंगे। हालांकि क्यों इन्होंने कहा था ये हम चर्चा अपनी कर चुके हैं। इसके बाद जब इन्होंने मना किया कि हम नहीं होने देंगे, उसके बाद US अर्जेस टर्की, बड़ा एक हास्यास्पद एक मामला है कि US अर्जेस टर्की कि US जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है टर्की से टू क्विकली रेटिफाई स्वीडन से नाटो मेंबरशिप, कि वो जल्दी से कर दो भैया इसकी मेंबरशिप का जो रिक्वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाए। एक तरफ जो है रिक्वेस्ट हो रही है और दूसरी तरफ आदेश दिया जा रहा है कि जल्दी करो, और इसका जो हमें परिणाम देखने को मिलता है परिणाम ये है कि टर्की अप्रूव्स फिनलैंड नाटो एप्लीकेशन। लो भैया टर्की ने फिनलैंड की नाटो की एप्लीकेशन क्लियर कर दी, स्वीडन इज स्टिल वेटिंग, कि अभी जो है स्वीडन को मैं शामिल नहीं होने दूंगा। तो अमेरिका कहता है कि ठीक है स्वीडन को कुछ दिन और लटका लो फिर बाद में उसको कर देना। क्यों टर्की ज्वाइन नहीं करने देना चाहता, तो एक जो तुर्की के यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं वो हैं कुर्द आतंकवादी। तो ये जो कुर्द आतंकवादी जो हैं, कुर्द संगठन है एक, कुर्द संगठन के लोग तुर्की के अंदर आक्रमण करते हैं और स्वीडन और फिनलैंड के अंदर शरण ले लेते हैं। तो स्वीडन जो है इनको शरण देता है, और तुर्की का कहना था कि जब तक इन आतंकवादियों को अपने यहाँ पर शरण देना बंद नहीं कर दोगे आप, तब तक आपकी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये लगाया गया था इनके ऊपर, जो कहें कि
कारण जो था कि क्यों जो है नहीं करने देना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी स्वीडन ये फिनलैंड जो है अभी तक नहीं बोला है कि हम ऐसा करेंगे, अमेरिका के दबाव में तुर्की जो है आ चुका है। और दूसरा कारण यदि हम देखें स्वीडन की अभी तक मेंबरशिप एक्सेप्ट ना करने का, तो स्वीडन के अंदर थोड़ी सी डेमोक्रेसी को लेकर तुर्की के खिलाफ जो है प्रदर्शन होते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि खुलेआम कुरान के अंदर आग लगाता है, वो भी कहता है कि हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है और तुर्की के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच नहीं है। और तुर्की के दूतावास के सामने जाकर कुरान के अंदर कई बार लगातार एक व्यक्ति आग लगाया जाता है। आप अगर चाहें तो सेशन इसी हमारे चैनल पर आपको वो वाला पूरा सेशन भी मिल जाएगा। तो तुर्की के ये दो कारण थे जो कि अभी तक इनकी मेंबरशिप को लटकाए रखा था। फिनलैंड की मेंबरशिप अब हो चुकी है लेकिन अभी स्वीडन अटका हुआ है। रसिया वार्न्स ऑफ काउंटर मेजर्स, सीधी बात है काउंटर मेजर्स जो है रसिया के द्वारा लिए जाएंगे फिनलैंड के नाटो मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे। पुतिन अपने आप में सक्षम है, ये कर सकते हैं। रसिया ने जो है वार्न किया ट्यूजडे दैट इट विल टेक मिलिट्री एंड अदर स्टेप्स टू रिस्पॉन्ड टू इट्स नेबर फिनलैंड ज्वाइनिंग नाटो, कि मैं जो हूँ आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन भी ले सकता हूँ और साथ में कोई अदर स्टेप्स भी ले सकता हूँ कि आपने जो है मेरे पड़ोसी होते हुए नाटो को ज्वाइन कर लिया, नाटो को मेरे दरवाजे तक आप ले आए। नेचुरली दिस फोर्सेस ऑन यूएस टू टेक काउंटर मेजर्स टू इंश्योर आर टेक्टिकल एंड स्ट्रेटिक सिक्योरिटी, की हमारी जो सुरक्षा है अमेरिका उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है। इंक्रोचमेंट ऑन रसिया सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, की रूस के जो राष्ट्रीय हित हैं और इनकी जो सुरक्षा है इसके अंदर अतिक्रमण इंक्रोचमेंट की कोशिश की गई है अमेरिका के द्वारा। ये था पूरा का पूरा रसिया का जो इनका बयान था, क्या कहें कि रसिया की जो प्रतिक्रिया थी फिनलैंड के ज्वाइन करने पर। दूसरी तरफ चाइना की प्रतिक्रिया देखना जो है वो ज़रूरी होगा। चाइना ने कहा है द वर्ल्ड इज़ मोर डेंजरस, कि अब दुनिया जो है मोर डेंजरस, ज़्यादा डेंजरस हो गई है और ये बात जो है काफ़ी हद तक सही भी है। दुनिया के अंदर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का या फिर मिलिट्री संगठनों का बढ़ना एक खतरनाक स्थिति को जन्म दे सकता है। आने वाले समय में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम और आपकी जीवन में भी एक तीसरा विश्व युद्ध हमें देखने को मिले, क्योंकि ये जो तैयारियां चल रही हैं जिस तरह से मिलिट्री एक्सपेंशंस हो रहे हैं मिलिट्री ग्रुप्स के, वो चीज़ जो है शांति की तरफ तो कदम बढ़ाना नहीं है, शांति इससे स्थापित नहीं की जा सकती। और अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा शांति की तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं ऐसा कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं, अपने व्यापार को सर्वोपरि रखते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखने हैं। दुनिया के अंदर दूसरा चाहे बर्बाद हो या ना हो, इन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें फ़र्क सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है कि इनकी सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। उम्मीद है साथियों पूरा का पूरा सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।